चलो हम देखते हैं कि कैसे आप लोग मुझे आपसे अच्छे से मिले। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, और इसके लिए चिकन को मैंने एक कप ऑयल डालकर और फ्राई होने के लिए रख दिया। फ्राई हो रहा है, हम आपको बाकी दिखाते हैं कौन से मसाले इसमें। ये देखने में ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हरी मिर्चें भी हैं 2 से 3 अदरक, इसके अलावा दही 1 पाव और ये तंदूरी चिकन मसाला। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि बाज़ार के मसालों में थोड़ा सा कम होता है, नमक ऐड करेंगे। देखते हैं अब ये मसाला हम दही में शामिल कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ये तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें दही में जो हमने मसाला शामिल किया था वो इसमें शामिल कर देंगे, और ये इतनी जल्दी बनेगा। अगर आपके कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप झटपट ये बना सकते हैं और मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहिएगा। तो देखते हैं दही हमने इसमें शामिल कर दिया, अब ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आप इसमें चूरमा रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एक कप पानी डाल दीजिएगा, वरना भुना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें ये भून चुका है अच्छी तरह, दही का पानी खुश्क हो गया, और अपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें एक कप। और पानी के साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा इसमें शामिल हो जाए, इसमें डाल दें और इसे ढक देंगे और 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ये तैयार है। ये देखें हमारा सारा तैयार हो चुका है। ये देखें अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो चुका है और बहुत मज़े का बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये देखें हमने इसे डिश आउट कर लिया है और ये बहुत टेस्टी बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।